नमस्कार, आप देख रहे हैं विराट 24 न्यूज। मैं हूं आपके साथ जैन। कभी कोई नई बाइक या कार खरीदता है तो सबसे पहले वो अपने नए वाहन की पूजा कराने के लिए उसे मंदिर ले जाता है। भारत में यह परंपरा वर्षों से चली आ रही है। आपने भी ऐसा किया होगा, लेकिन क्या आपने किसी को मंदिर में हेलीकॉप्टर की पूजा कराते हुए देखा है? बीते दिनों हैदराबाद में कुछ ऐसा ही नजारा देखने को मिला, जब एक शख्स अपने नए हेलीकॉप्टर की पूजा कराने के लिए उसमें उड़कर सीधे मंदिर के पास पहुंच गया। सोशल मीडिया पर अब तक इस घटना की खूब चर्चा हो रही है। इसका वीडियो भी सामने आया है। यहाँ बात हो रही है हैदराबाद के कारोबारी बोनीपल्ली श्रीनिवास राव की, जिन्होंने हाल ही में $5.7 मिलियन की कीमत का एक हेलीकॉप्टर खरीदा है। वे उसकी पूजा कराने के लिए अपने नए हेलीकॉप्टर में ही उड़कर सीधे मंदिर पहुंच गए। मिली जानकारी के मुताबिक श्रीनिवास राव प्रतिमा ग्रुप के मालिक है। वह पूजा के लिए हैदराबाद से लगभग 100 किमी दूर यादाद्री में श्री लक्ष्मी नरसिम्हा स्वामी मंदिर के पास नया हेलीकॉप्टर ACH-135 लेकर आए थे। तीन पुजारियों ने हेलीकॉप्टर के लिए विशेष पूजा की है। पुजारियों ने हेलीकॉप्टर के आगे सभी रस्म पूरे किए। हेलीकॉप्टर की पूजा का वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है। ट्विटर पर इस वीडियो को लतीफ बाबला नाम के हैंडल शेयर किया गया है। वीडियो में देखा जा सकता है कि हेलीकॉप्टर देखकर स्थानीय दंग रह गए। उन्होंने पहले लगा कि कोई बड़ी शख्सियत आ रही है। मिली जानकारी के मुताबिक मौके पर पुलिस भी थी। इसके बाद श्री निवास राव ने परिवार के सदस्यों के साथ नए हेलीकॉप्टर की पूजा कराई। बता दें, इस हेलीकॉप्टर के पायलट समेत कुल 5 पैसेंजर बैठ सकते हैं। इसकी रेंज 500 किमी है। हेलीकॉप्टर ACH-135 में 2 इंजन है और मेंटेनेंस का खर्च भी कम आता है। राजा वरुण बृहस्पति ध्रुवं दैन्द्रश्चाग्निश्च राक्षसं धारयताम् हिरण्यवर्णाम् हरे सुवर्णरजतस्याम् चन्द्राम्